हेलो मैं कुमार, आज फिर से आए नेक्सा शोरूम में एक और कार की डिलीवरी लेने के लिए। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कार की डिलीवरी की वीडियो आई हैं, तो मज़ा आता है ये सब वीडियो बनाने में और इंटरेस्टिंग भी लगते हैं देखने में। तो आज ये फरीदाबाद के नेक्सा में आए हैं हम। ये मेलवा महाराजपुर मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे शोरूम पड़ता है। आज जो कार की डिलीवरी लेने के लिए हम आए हैं वो है सियाज। ये हमारे एक भाई हैं विपिन मंगला, उनका नाम है, उनकी सियाज की डिलीवरी आई है। लॉकडाउन के बाद 8 जून को उन्होंने कार बुकिंग करी और 10 जून को आज उनकी डिलीवरी है। तो आज अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा शोरूम है। और सबसे मेन चीज़, लॉकडाउन के बाद प्राइसिंग पे क्या असर आया है, डिस्काउंट वगैरह का? बहुत लोगों को मन में ये है कि डिस्काउंट का क्या हुआ है, वो चीज़ हम देखेंगे कि डिस्काउंट कितना पड़ा है। ये जो सियाज देख रहे हैं आप, ऐसी ही सियाज है ये, वेरिएंट वगैरह हम आगे चल के आपको दिखा दूंगा मैं। सबसे पहले सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं, उनका मेन काम वहाँ पे होता है। तो सेकेंड फ्लोर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स आप देख सकते हैं, XL6 भी खड़ी है, बलेनो भी खड़ी है एस प्लस पैक के साथ, जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले 7 तारीख को देखी थी उसकी वीडियो। तो यहाँ पे वो वाला पैक खड़ा है, मतलब बेस वेरिएंट में कुछ ऐसे लगा के दे देते हैं, ऐसा कुछ व्यू आता है। अगर आप ऊपर से अगर आप देखना चाहें शोरूम का व्यू, काफ़ी बड़ा शोरूम है, पास्को वालों का ही है। यहाँ पे देखेंगे आप ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है अभी फिलहाल, कस्टमर्स इतने ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ पे समझा रहे हैं इनको प्राइस वगैरह क्या पड़ेगा, बाकी वैसे डील पूरी बढ़िया हो चुकी है और प्राइस इतना ज़बरदस्त इनको मिला है। जो आप डील देखेंगे, डील समझाऊंगा जब मैं आपको आगे चल के, आप भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया डील मिली है सियाज गाड़ी पे इनको। एक और खास चीज़, इस गाड़ी पे भाई VIP नंबर भी ले रहे हैं, जो कि अपना फैंसी नंबर होता है। नंबर का प्राइस क्या है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे भाई जो रोड टैक्स वगैरह सब कुछ कट चुका है, यहाँ पे नंबर भी VIP लिया है भाई ने, तो एक बार वो कंफर्म कराते हैं, वो लोग साइन वगैरह जब भी कराते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे हो रही है। तो इसको डन करके फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं, कौन सी गाड़ी कैसा कलर है। तो ये है नई सियाज डेल्टा वेरियंट भाई ने लिया है, और ये जो कलर है ये सिल्वर है। इनके पास काफ़ी चॉइस थी, ब्लैक भी थी, मैग्मा ग्रे भी थी, लेकिन इनको सिल्वर पसंद आया और डेल्टा वेरियंट इन्होंने लिया है। इसका मेन रीज़न क्या है उसके आगे चल के हम बात करेंगे। डेल्टा वेरिएंट इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत के सारे सामान आ जाता है, आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हों, ये रामरेस्ट और डुअल टोन, आपको इंटीरियर मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, प्लस एक्सेसरीज इसमें सब कुछ फ्री ली गई हैं, जो भी बेसिक किट वगैरह होती हैं सब कुछ इसमें, जो क्रोम वगैरह आप देखेंगे, जो आप यहाँ पे विंडो फ्रेम किट देख रहे हैं, डोर वाइजर देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ फ्री मिला है। एक्सटेंडेड वारंटी भी इसमें फ्री मिली है, जो कि मैं आगे चलकर आपको कोटेशन में बता दूंगा। इनकी सियाज थोड़ी सी सी सेगमेंट की गाड़ी है, तो थोड़ी लग्जरी टाइप आ जाती है। रियर एसी वेंट्स भी इसमें मिल जाते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन है इसमें, 1500 cc का इंजन आता है, काफ़ी पावरफुल इंजन है भाई। ब्रेजा में भी अब देने लग गई हैं, बूट स्पेस भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा इसमें बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 510 लीटर का इतना बड़ा बूट स्पेस है। आप टूर वगैरह पे जाते हैं तो काफ़ी सारा सामान इसमें आप लेके जा सकते हैं। साइड ग्लाइडिंग अगर आप ये देखेंगे क्रोम वगैरह में, ब्लैक इसमें जो ये दे रखी है ये भी इनको फ्री मिली है। और कार का इंटीरियर डेल्टा वेरिएंट्स आपको वुडन फिनिश जो ये मिलती है डैशबोर्ड के अराउंड, ये भी काफ़ी सही लगती है देखने में। डुअल डिन का इसमें बटन वाला स्टीरियो मिल जाता है, जिसमें CD भी आप लगा सकते हैं, हालांकि उसको अभी लगाता नहीं कोई 2020 में, लेकिन दे रहे हैं ये उसको। इसमें टच स्टीरियो में अगर आप जाएंगे तो वो जेटा वेरिएंट से आपको मिलेगा। बाकी जो भी ये रिबन वगैरह आप लगे देख रहे हो ना, ये नेक्सा वाले देते नहीं है, ये इन्होंने बाहर से खुद अरेंजमेंट करी है, और बाकी जो बाहर से इन्होंने चीज़ मंगाई है वो भी हम देखेंगे। तो जो फिलहाल केक कटिंग वगैरह भाई की हो रही है ना, ये भी इन्होंने केक वगैरह खुद अरेंज करा था। पहले क्या सीन होता था कि आपको केक वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह और एक फूलों का गुलदस्ता सा ये देते थे साथ में जब कार डिलीवरी दे देते, लेकिन अब वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। अब केवल ये नेक्सा का बैग देते हैं जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन भाई ने ही सारा अपना केक हो गया, रिबन वगैरह हो गए, या फिर वो फोड़ने वाले जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ उन्होंने खुद अरेंज करी थी। तो यहाँ पे कार लेने की सेलिब्रेशन आप खुद देख सकते हैं। अभी कार सैनिटाइज भी हो रही है, सैनिटाइज करते हैं अभी लोग जब कार की डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी के वक्त तो ये चीज़ करते ही हैं। साथ साथ अगर आप इनकी सर्विस वगैरह कराने आते हैं, अगर आपकी कार में कोई ख़राबी भी आती है
तब भी ये आपको सैनिटाइज करके देते हैं कार, लेकिन उसके चार्ज भी लगाते हैं। जैसे सर्विस वगैरह अगर आप कराने आएंगे तो 150 मेरे ख्याल से चार्ज करते हैं उस चीज़ के। तो जो सैनिटाइजेशन करने का चार्ज लेते हैं ना, तो हाइजीन के नाम से 150 रुपये लगाते हैं। बाकी किस तरीके से डिलीवरी के वक्त सैनिटाइजेशन होती है वो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। भाई को मिल चुकी है डिलीवरी, भाई को काफ़ी सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी तरफ से। अब मेन बात कर लेते हैं भाई, प्राइस क्या पड़ा है नई सियाज का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 894,771 इसका ऑन रोड प्राइस है अगर हम दिल्ली की बात करते हैं। एचपी की अगर हम बात करते हैं तो 1500 टेम्प्रेरी नंबर इसमें 400 रुपये का है। इंश्योरेंस 67,697 का इनको पड़ा है, 3 साल का 0 DAP-0 लिया है। फास्टैग है 500 रुपये का, एक्सटेंडेड वारंटी 15,199 रुपये की, बेसिक किट 10,900 की, और टोटल अमाउंट जो कार का पड़ता है वो आपको 1,58,731 का पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया जो कोटेशन में लिखा होता है, अभी अंकल आंटी ये सब कुछ समझ रहे हैं जो भी इनको डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। तब तक मैं आपको बताता हूँ अब इस पर डिस्काउंट क्या हुआ है और टोटल इनको पड़ी है ये 10,19,632 रुपये की। इसमें से जो स्कीम डिस्काउंट है वो 10,000 रुपये का है, कॉरपोरेट डिस्काउंट 3,000 रुपये का है। 10,19,000 में इनका बेसिक किट फ्री है, एक्सटेंडेड वारंटी फ्री है, इंश्योरेंस इन्होंने 3 साल का लिया है इस वजह से 10,19 की पड़ी है। नहीं तो अगर 1 साल का 0 DAP लेते हैं तो 989,000 यानी कि 9,89,000 की आपको पड़ जाती है। और इतने प्राइस में मेरे ख्याल से एक सी सेगमेंट सेडान अगर आपको पड़ती है इतने पावर इंजन के साथ, तो मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है उसमें। बेसिक किट में जो भी आपने देखा था, सारी क्रोम की एक्सेसरीज हो गई बाहर से, इंटीरियर से, जिसका प्लेट अगर हम देखते हैं वो सब इनको फ्री में मिली है। 3,290 रुपये की जो डोर एंट्रेंस लाइट होते हैं वो भी फ्री मिली है। तो 10,19,000 की ये गाड़ी है जो आप सिल्वर कलर में देख रहे हैं, सियाज डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, अब ये निकलने वाली है। तब तक मैं ये और बता देता हूँ जो बेसिक किट का मैं आपको बता रहा था उसमें आपको क्या क्या पड़ता है। एग्जैक्टली विंडो क्रोम आपको मिलेगा 2190 रुपये का, हैंडल क्रोम 890, फ्लोर मैट फैब्रिक 1390, फ्लोर मैट ट्रांसपेरेंट 1390, साइड मोल्डिंग ब्लैक जो आप ये देख रहे हैं 1790 रुपये की है ये, डिग्गी क्रोम 480 की पड़ जाती है आपको, डोर वाइजर क्रोम आपको 2590 रुपये का पड़ता है, कार कवर भी फ्री मिला है जो कि 1590 रुपये का था, स्टेयरिंग कवर आपको डेल्टा वेरियंट में नहीं मिलता वो भी 510 रुपये का इन्होंने फ्री लिया है। तो लॉकडाउन के वक्त अगर आप कोई कार प्लान कर रहे थे तो आप इसका बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनके आरएम का नंबर डाल देता हूँ, वहाँ पे आप बेस्ट डील उनसे पूछ सकते हैं फ़ोन वगैरह करके उनसे। रख ले, फोन जाएगा नीचे, खोलना पड़ता है ज़्यादा। तो ये वही कार जो शोरूम से निकल चुकी है, देखने में रियलिटी में बहुत सही लगती है सिल्वर कलर में अगर आप इसको साफ रखते हैं ना। और ये ऐसा कुछ शोरूम है, आप एक बार इसकी एक और झलक ले लो। तो भाई अब मेन बात कर लेते हैं लोन अमाउंट वगैरह की, डाउन पेमेंट वगैरह क्या करनी पड़ती है अगर आपका प्लान है सियाज लेने का। तो भाई ने जो 10,19,000 की गाड़ी पड़ी है ना, इस पर डाउन पेमेंट करी है 2,83,332 रुपये की। लोन इन्होंने जो ICICI बैंक से लिया है वो 7,47,000 का है, फाइल चार्ज के साथ इनको इतने का पड़ा है। अब EMI की तरफ बढ़ने से पहले जो VIP नंबर इस गाड़ी पर लिया है वो 9494 है दिल्ली में, तो 25,000 रुपये का उसका रेट है, 5,000 दलाल के उसको दिए हैं, तो 30,000 रुपये का टोटल वो नंबर पड़ा है। फ्रंट कैमरा चलता है इसमें, फ्रंट कैमरा। तो अभी कार को पहली बार रोड पे लिया है, इसमें बैठ के चल रहे हैं। तो तब तक मैं आपको EMI वगैरह बता देता हूँ। EMI 4 साल की बंधवाई है, तो ये EMI पड़ रही है 18,500 की, 9% का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है। तो भाई का जो लोन था वो प्री अप्रूव्ड था, 8 तारीख को इन्होंने बुकिंग करी थी, 10 तारीख को डिलीवरी ले ली थी, तो लोन वगैरह में प्रोसेसिंग में कोई टाइम लगा नहीं है। अगर आपका प्री अप्रूव्ड होता है तो आपको तुरंत हैंड टू हैंड गाड़ी दे देते हैं अगर अवेलेबल होती है। वेटिंग भी कोई नहीं है सियाज पे, आप कोई सा वेरिएंट बोलें कोई सा कलर बोलें आपको सेम डे अवेलेबल हो जाता है। कहने का मतलब है स्टॉक अच्छा खासा मारुति के पास सियाज गाड़ी का खड़ा हुआ है। तो भाई को एक बार फिर से काफ़ी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन इस नई कार के लिए। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। पसंद है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और उनको चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।